हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में कैसा है कोरोना का हाल, अब आपको ये दिखाते हैं। बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाया है। हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में जाकर कोरोना सरकारी तैयारियों का जायजा लिया। पड़ताल में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। देखिए संवाददाता आदर्श सिंह की एक खास रिपोर्ट। एक तरफ बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 201 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन नीतीश सरकार खतरे के बीच भी पूरी तरह लापरवाह है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जर्जर हालात सरकारी दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। मेडिकल कॉलेज की दीवारें इस कदर जर्जर हैं कि कब गिर जाएं पता भी न चले। कोरोना के खिलाफ स्वच्छता सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अस्पताल में इतनी गंदगी है इसे देखकर भी आम इंसान को चक्कर आ जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है और इसकी तस्वीर सिर्फ आप देखिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसे आप खुद देखिए और समझिए कि इस बिल्डिंग में इलाज होता है। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बिल्डिंग में इलाज होता है और इसमें मरीज रहते हैं। आप इस बिल्डिंग की स्थिति देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये बिल्डिंग कितने वक्त कितने सेकंड चलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक एक ईंट, एक एक दीवार और एक एक सीख इस बिल्डिंग की दिख रही है, कहीं से कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है। और यकीन मानिए, आप जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति में है। अब जरा इस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने वाले लोगों के हालात भी देखिए। देख सकते हैं कि जो मरीज हैं वो इलाज करवा रहे हैं, और यहाँ पर एक दो नहीं, कई मरीज हैं। और ये सिर्फ एक कमरे की हालत नहीं है, कई कमरे ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें बाकायदा मरीजों का इलाज चल रहा है, और वो अलग अलग रोगों से संबंधित मरीज हैं। आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि आदमी किस स्थिति में यहाँ पर रह रहा है और इलाज करवा रहा है। आप इन छतों को देखिए जो ठीक मेरे ऊपर हैं, ये कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप इन दीवारों को देखें, ये देखिए, ये हिस्सा है इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का, और ये किस स्थिति में है आप इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि इस मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हुई थी उसी दौरान इसे बनाया गया था और तब से ऐसे ही है ये। ये तस्वीरें न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रही हैं, बल्कि नीतीश सरकार के कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दावों पर सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। आप यही इलाज करवा रहे हैं? देखिए, इस सिर्फ बिल्डिंग को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में कोरोना से लड़ने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और इसके ठीक बगल में एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। ठीक एक साल पहले मैं इस जगह पर आ चुका हूं और हमने, यानी एबीपी न्यूज ने आपको यहां से एक और रिपोर्ट दिखाई है। बावजूद इसके एक साल का वक्त बीत जाने के बाद भी आज किस हालत में ये लोग रह रहे हैं उसका सिर्फ आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक ईंट भी यहां से खिसकी तो इस पूरी बिल्डिंग की क्या हालत होगी, और इसमें रह रहे जो मरीज हैं, जो इलाज करवा रहे लोग हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ है उसकी क्या स्थिति होगी। कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा के बदहाल अस्पताल की पड़ताल आपने देखी।